दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग मोबाइल पर। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सैमसंग मोबाइल है और उसका टच ऐसे काम नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को देख के अपना मोबाइल का टच रिपेयर कर सकते हो। मजा आया। देखिए दोस्तों, अगर आपका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब जिस डिस्प्ले का कीमत लगभग 10,000-15,000-20,000 रुपया होता है, कर्व डिस्प्ले होता है, बड़ा बड़ा मोबाइल का, जैसे कि सैमसंग का S23, S23 अल्ट्रा, S22, S21, S21 अल्ट्रा, ये जो मोबाइल का डिस्प्ले है 15-20,000 रुपया का, अगर उसका भी टच काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल का डिस्प्ले प्रॉपर एकदम सही है, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल है इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। आप मेरा चैनल में जाइए और चैनल में जाके वीडियो में जाके स्क्रॉल कीजिए और नीचे जाके देखिए, सेम इसी वॉलपेपर में एक वीडियो बना होगा सैमसंग मोबाइल का डिस्प्ले प्रॉब्लम के बारे में। उस वीडियो को जाके देखिए, इस मोबाइल का डिस्प्ले खराब था, मतलब डिस्प्ले जो है ग्रीन कलर का आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसमें डिस्प्ले मैंने चेंज नहीं किया, वही डिस्प्ले रिपेयर किया, लेकिन डिस्प्ले रिपेयर करने के बाद थोड़ा दिन चला, उसके बाद टच काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब वो सैमसंग का हो या तो दूसरा कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका दूसरा कोई भी कंपनी का मोबाइल हो और उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो और उसका प्राइस आप जानते हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, मतलब 4-5 हज़ार के नीचे सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता ही नहीं है, और उसके ऊपर 10,000-15,000-17,000-18,000-19,000-20,000 तक भी जाता है, उससे ज्यादा भी जाता है। तो अगर आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल डिस्प्ले आपका टच काम नहीं कर रहा है, या तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक हो चुका है, मतलब आपका मोबाइल चलते चलते डिस्प्ले बंद हो गया है, सब कुछ इनकमिंग कॉल आ रहा है, आपका मोबाइल कहीं पे गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो आप अपना मोबाइल का डिस्प्ले को रिपेयर कर सकते हो। देखिए, आप चेंज करोगे तो 15-20 हज़ार रुपया खर्चा होगा, लेकिन आप अगर रिपेयर करोगे तो 2-3 हज़ार रुपया 4 हज़ार रुपया में आपका 15-20 हज़ार वाला डिस्प्ले रिपेयर हो जाएगा, और आपका ओरिजिनल डिस्प्ले का डिस्प्ले भी रहेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है वो भी काम करेगा। तो कैसे क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा, वीडियो को एकदम स्किप मत करो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि आपका मोबाइल का या तो मेरा मोबाइल का सुपर एमोलेड डिस्प्ले रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले में जो टच का, डिस्प्ले का, लाइट का प्रॉब्लम आता है, ये सब प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉब्लम के चलते। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक डुप्लीकेट डिस्प्ले हो, ओरिजिनल डिस्प्ले हो, कितना सारा डिस्प्ले इधर पड़ा हुआ है, और मैं आपको एक चीज इधर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होता है, और आपका टच या तो आपका जो ये डिस्प्ले ब्लैंक हो जाना, ये प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए, ये है डिस्प्ले का फ्लेक्स, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, कोई भी डिस्प्ले सोच लो, कोई भी डिस्प्ले, ये सोच लो ये डिस्प्ले है और ये उसका फ्लेक्स है, ठीक है, ये उसका फ्लेक्स है। तो ये वाला जो फ्लेक्स है, इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको निकाल के दूसरा लगाएंगे, मतलब आपका ओरिजिनल डिस्प्ले के बारे में बता रहा हूँ, आपका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उसका ये वाला जो फ्लेक्स है, इसी में ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये जो फ्लेक्स का कनेक्शन जाके डिस्प्ले में लगता है, अगर आपका मोबाइल गर्म होता है, गर्म होके ही ये वाला जो फ्लेक्स का कनेक्शन है छूट जाता है, ठीक है, तो इसी में प्रॉब्लम आता है। तब क्या करते हैं ना, हम इसको, ये जो फ्लेक्स है इसको नया लगाते हैं, तब जाके आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि ये करने से सॉल्व हो जाता है। आप पूछोगे कि कहां पे होता है, भाई हमारे पास होता है, मैंने ऑलरेडी वो वाला जो डिस्प्ले है रिपेयर किया है, तो वो वाला नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो, मैंने बहुत सारा डिस्प्ले ऑलरेडी रिपेयर किया है और बहुत लोग का रिपेयर करके ऑलरेडी भेज भी चुका हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो अपना मोबाइल का डिस्प्ले रिपेयर करना, अगर टच काम नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले ब्लैंक हो गया है, या तो ग्रीन कलर आ गया है डिस्प्ले में, पूरा ग्रीन कलर आ गया है, देखिए अगर लाइनिंग का प्रॉब्लम आया है और आपका मोबाइल में ग्रीन ग्रीन लाइनिंग है और अपडेट के बाद आया है, तो आप सर्विस सेंटर विजिट करके अपना डिस्प्ले चेंज करा सकते हो, क्योंकि कोई भी कंपनी का मोबाइल अगर आपका ग्रीन लाइनिंग आता है तो वो अपना डिस्प्ले चेंज करके देता है बिना पैसा में। लेकिन अगर आपका दूसरा प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया, टच काम नहीं करना, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाना, तो ये सब में वारंटी काम नहीं करता है, वो सब डिस्प्ले हमारे पास भेज के, मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अपना मोबाइल का डिस्प्ले या तो अपना मोबाइल को भेज के हमारे पास से रिपेयर कर सकते हो। कितना पैसा प्राइस है, प्राइस देखिए अलग अलग मोबाइल का अलग अलग, जितना कॉस्टली डिस्प्ले उतना उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। नॉर्मली अगर सोच लीजिए आपका मोबाइल का डिस्प्ले का दाम 7-8 हज़ार है, तो 2.5-3 हज़ार रुपये में आपका डिस्प्ले रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 15-20 हज़ार है तो 7-8 हज़ार रुपये लग सकता है।
ठीक है, तो ऐसा है 7-8 हजार नहीं, उतना तो नहीं होता है, कम से कम 4 से 5 हजार तक ही जाता है, ज्यादा नहीं जाता है। तो आप आराम से अपना मोबाइल को या तो अपना डिस्प्ले को रिपेयर कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या तो आप देख लेना साइट में नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर से मुझे कॉल करके मेरा एड्रेस लेके आप अपना मोबाइल को भेज के रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में इंस्टाग्राम में शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।